दोस्तों कनेक्शन करना बहुत ही सिंपल है, आसान है। अब देखिए जो स्टार्टिंग के तार निकले थे, चार कॉइल के 8 तार, वो हमने अंदर कर दिए हैं ताकि आपको कोई समझने में कठिनाई ना हो। और यहाँ पे देखिए बाहर है हमारे रनिंग के तार। तो देखिए हमने जो सबसे पहले कॉइल इंस्टॉल की थी, ठीक है दोस्तों, सबसे पहले एक कॉइल इंस्टॉल की थी जो कि सबसे लास्ट वाली कॉइल मानी जाती है, वैसे हमने पहले इंस्टॉल की, ठीक है। तो उसके कनेक्शन हम सबसे लास्ट में करेंगे, अंतिम में करेंगे, ठीक है। तो ये वाली वो कॉइल है जिसके अंदर दो लूप हैं, ठीक है, एक इनर तार है, एक आउटर तार है और दो लूप हैं स्पीड के, ठीक है। तो इसको हमें सबसे लास्ट में कनेक्शन देना है, ये चीज़ आप ध्यान रखें, ठीक है। तो इससे अगली कॉइल की तरफ हम बढ़ते हैं इस साइड, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कॉइल में 2 तार है रनिंग में, एक इनर है एक आउटर है। तो हमें इनर तार को स्किप कर देना है और आउटर तार है वो अगली कॉइल के आउटर से जोड़ना है, यानी कि 1 2 3, ठीक है। तो अब इसमें हम थोड़ा स्लीव लगा लेते हैं, आप अपने हिसाब से स्लीव लगा लीजिए जो आपको अच्छा लगे, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पे मैं इसका अच्छे से कनेक्शन कर देता हूँ, अच्छे से तार को छील लेना है, मैंने तार को ऑलरेडी छील के रखा है, ठीक है दोस्तों। मैंने वीडियो को थोड़ा बीच बीच में स्किप किया है क्योंकि ये आपको पहले ही पता है, लेकिन कनेक्शन बहुत महत्वपूर्ण है इसलिए मैं बता रहा हूँ। और इस पे हमने डायग्राम वीडियो भी शेयर किया हुआ है पहले ही, तो डायग्राम वीडियो भी आप देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसको हम छुपा देते हैं, ठीक है, आप अपने हिसाब से स्लीव का यूज कर सकते हैं जो आपको ठीक लगे। तो यहाँ पे एक कनेक्शन हो गया पहली कॉइल का दूसरी के आउटर से, अब दूसरी का इनर बचता है, ये अगली कॉइल के इनर से जुड़ेगा, ठीक है, वही 1 2 3, 1 से 3 में, ठीक है। तो इसको भी बिल्कुल सिंपल तरीके से हम जोड़ देते हैं। दोस्तों वीडियो के अंदर जितनी भी इम्पोर्टेंट बातें होती है मैं सब आपको शेयर करता हूँ, सब बातें आपको बताता हूँ, फिर भी मुझसे कुछ छूट जाता हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, ठीक है, ताकि अगली बार जब मैं वीडियो बनाऊँ जो जो मैं गलती करता हूँ, कोई भी गलती हो वो मेरे को ज़रूर बोले ताकि मैं उस गलती को सुधार सकूँ, आगे से वीडियो जब भी बनाऊँ तो उस गलती को मैं न करूँ। तो मुझे कमेंट करके ये चीज़ें जरूर बताया करो, ठीक है। तो इसका कनेक्शन इससे हो जाता है, ठीक है। अब हमारे पास तीसरी कॉइल का बचा हुआ तार है जो कि आउटर है, इस आउटर तार को हम लास्ट की जिसके अंदर हमने लूप बनाए हैं वो कॉइल हमने, ठीक है, जिस कॉइल में हमने लूप बनाए हैं उसमें हमें कनेक्ट करना है। देखिए रनिंग की 4 कॉइलें होती हैं, स्टार्टिंग की 4 कॉइलें होती हैं, स्टार्टिंग में कोई लूप नहीं होता और रनिंग की 3 कॉइलों में कोई लूप नहीं होता, लेकिन 1 कॉइल के अंदर लूप होता है, ये चीज़ आप ध्यान रखिए। तो लूप वाली कॉइल में हम लास्ट वाली में जोड़ देते हैं उसी तरह से, ठीक है, 1 से 3 में, 1 2 और 3, 1 से 3 में बिल्कुल सेम तरीके से, ठीक है। आपको लूप में ये नहीं जोड़ना है, लूप से सीधे तार निकलेंगे बाहर। और अगर आपको कोई भी डाउट लग रहा हो, समझ में नहीं आ रहा हो, तो हमने पहले ही मैंने बताया कि इसके ऊपर हमने कनेक्शन डायग्राम की वीडियो शेयर की है जिसमें क्लियर है, क्लियर आपको हो जाएगा पूरी तरह से, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इसको कनेक्ट कर दिया है, तो इसको जोड़ को अंदर की तरफ हम ले लेते हैं, जोड़ बाहर नहीं रहना चाहिए नहीं तो ये टच हो सकता है और मोटर में करंट आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे देखिए 3 कनेक्शन हुए हैं, 1 2 एंड 3, और हमारे 2 तार यहाँ पे निकल आए हैं रनिंग के और प्लस में 2 लूप हैं। अब चलते हैं स्टार्टिंग कनेक्शन की ओर, तो स्टार्टिंग के 8 तार हैं, ठीक है दोस्तों। तो जिस कॉइल जो रनिंग की जो पहली कॉइल हमने माना जिससे हमने कनेक्शन देना स्टार्ट किया, उसका ये इनर तार
जो हमने छोड़ा था उसके साथ स्टार्टिंग की एक कॉइल का इनर तार जोड़ना है जो उसके नज़दीक हो। तो यहाँ पे स्टार्टिंग की पहली कॉइल इसको मान लेते हैं, ठीक है। इसमें ये जो पहला तार है जैसे हमने रनिंग की में छोड़ा था, ठीक है, स्टार्टिंग को छोड़ के रनिंग के साथ जोड़ देंगे, ठीक है। रनिंग का एक तार और स्टार्टिंग की पहली कॉइल का एक तार, इनर तार, आपस में इनको जोड़ देंगे और एक कॉमन तार हम बनाएंगे जिसमें आप अपने हिसाब से कलर वाइज लगा सकते हो। जैसे कि कॉमन तार में ब्लू लगता है, लेकिन आपके पास ब्लू तार ना हो तो कोई भी लगा सकते हो, ठीक है। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कलर वाइज हैं, ठीक है। बाहर इस कलर को देख के बाहर कनेक्शन किए जाते हैं और कनेक्शन करने में आसानी रहती है। जब कंपनी कनेक्शन करती है तो कलर वाले तार का यूज करती है, लेकिन हम इसमें एक रेड तार लगाएंगे, ठीक है। हमारे पास अवेलेबल है नहीं तो ये रेड तार हम इसमें लगा देंगे। बाद में इनकी पहचान हम करेंगे, इसमें हम एक गांठ मार देंगे तो इससे इसकी पहचान हो जाएगी कि ये कॉमन तार है, ठीक है। तो अच्छे से इस पर कनेक्शन दीजिए। ये मैं कॉपर वाइंडिंग किया है और एल्यूमिनियम का भी डाटा सेम है। और एक चीज़ और, तारों को अच्छे से छीलना है नहीं तो स्पार्किंग हो सकती है, करंट नहीं जाएगा तारों में तो फिर मोटर नहीं चलेगी। या इस पर सोल्डरिंग भी आप कर सकते हैं और अच्छा रहेगा। तो यहाँ पे हमने देखिए कॉमन बनाया है एक तार रनिंग और स्टार्टिंग का लेके, और ये हमने इस पर स्लीव चढ़ा दिया है। अब देखिए पहली कॉइल यही है जिसका हमने एक तार कॉमन बनाया है, इनर तार। अब इसका जो आउटर तार है स्टार्टिंग की पहली कॉइल का, वो स्टार्टिंग की दूसरी कॉइल के आउटर से जोड़ना है 1 से 3 में, वही 1 2 3, ठीक है। आउटर से आउटर जुड़ जाएगा, ऐसे जोड़ना है। तो इसमें हम पहले एक स्लीव का टुकड़ा लगा लेंगे। दोस्तों वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, पर अगर मैं छोटी वीडियो बनाऊंगा तो आपको समझने में थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, इसलिए मैं कंप्लीट वीडियो बनाता हूं और अपलोड करता हूं। या दोस्तों कनेक्शन की वीडियो मैं ना तो फास्ट मोशन में बनाता हूं, फास्ट नहीं करता, और फास्ट करने से होता यह है कि आपको समझ में नहीं आएगा। तो इस जोड़ को आप छुपा दीजिए। देखिए अब बचता है पहली का आउटर, दूसरी के आउटर से जुड़ गया अब दूसरी का इनर बचता है जो कि तीसरी के इनर से जुड़ेगा, वही 1 से 3 में, 1 2 3, ठीक है। यहाँ पे सिरे गिनते हैं हम 1 से 3। जो तार जुड़ रहा है वो तीसरे सिरे में जाना चाहिए, यानी कि यहाँ से जिस सिरे से निकल रहा है उसको नोट किया जाएगा 1, इससे अगला सिरा है कॉइल का वो 2, और अगली कॉइल का से उस सिरा होता है 3, तो तीसरे में जुड़ना चाहिए 1 से 3, इसलिए हम इसे बोलते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। मैं हर वीडियो में बताता हूँ 1 से 3 क्या होता है और सारी चीज़ें। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पे इसी तरह की वीडियो मिलती हैं, कनेक्शन वाइंडिंग और डायग्राम्स सभी तरह की। तो इसको भी हम छुपा देते हैं। तो इस तरह से हम इसको छुपा देते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमने 2 कनेक्शन हमने यहाँ पे बनाए हैं, एक कॉमन में जोड़ा है, और अब ये तार है तीसरी कॉइल का जो कि आउटर है, इसको भी हम 1 से 3 में जोड़ देंगे लास्ट की कॉइल के, 1 2 3, इस तरह से। तो कनेक्शन सिंपल है, हर मोटर में आपको बताते हैं, लेकिन यहाँ पे लूप दिए गए हैं, थोड़ा सा आपको थोड़ा सा कठिन लग सकता है, लेकिन आपको क्लियर समझ में आने वाला है। वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, ठीक है। तो ये लास्ट की कॉइल में हमने ये कनेक्शन दे दिया है, इसको कट कर देते हैं थोड़ा सा। दोस्तों कॉपर और एल्युमिनियम दोनों का कनेक्शन वाइंडिंग सब कुछ सेम है डेटा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने कनेक्शन दे दिया है,
अब देखिए हमारा एक लास्ट का स्टार्टिंग का तार है जिसमें जो कि कैपेसिटर में लगेगा। इसमें आप पीला तार लगा सकते हैं, पीला वायर आप लगा सकते हैं, ठीक है। एक हमारा कॉमन बन गया है रनिंग और स्टार्टिंग का, जिसमें आप नीला वायर लगा सकते हैं। मैं कॉमन पे गांठ मार देता हूँ जिससे मुझे बाद में दिक्कत ना हो। मैं खुद कन्फ्यूज हो जाऊँगा क्योंकि वाइंडिंग करने के बाद मेरे पास और भी इसी कलर के तार में लगाने वाला हूँ इसलिए, ठीक है। जो स्टार्टिंग का जो बचता है दोस्तों, स्टार्टिंग का जो बचता है उस पर एक पीला वायर आप लगा सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे ब्लैक लगाने वाला हूँ। मैं यहाँ पे एक ब्लैक तार इस पर लगा दूंगा। ठीक है दोस्तों, अब इस पर मैं स्लीव यहाँ पे चढ़ा देता हूँ। तो ये हमारा कॉमन तार हो गया रनिंग स्टार्टिंग से मिलकर, ये हमारा कैपेसिटर का तार हो गया, ठीक है। तो इस कैपेसिटर के तार मैंने ब्लैक लगाया, पीला लगा सकते हैं, ठीक है, कलर वाइज। और एक आपको और लेना है कैपेसिटर के लिए, कैपेसिटर पे दो तार लगते हैं, तो एक तो ये हो गया स्टार्टिंग का जो बचता है, और एक और लेना है। दोस्तों देखिए कैपेसिटर का एक तार हमने लगा दिया है यहाँ पे ब्लैक, और कैपेसिटर वाले में हम गांठ मार देते हैं ताकि हमें कोई भी दिक्कत ना हो, कोई भी कन्फ्यूज ना हो, ठीक है। अब दूसरा जो कैपेसिटर का तार है, दूसरा कैपेसिटर का तार प्लस में हाई स्पीड का तार जो कि हाई स्पीड का है, वो दोनों एक ही रहेंगे, जो कि इस कॉइल में हमने 80 लूप दिए थे, फिर 50 दिए थे, फिर 80 दिए थे, इस तरह से थे। जो हमारा पहला लूप है ये 80 के बाद इसमें वो जुड़ेगा कैपेसिटर का प्लस में हाई स्पीड का, ठीक है। तो डायग्राम वीडियो आप ज़रूर देख लेना, आपको बिल्कुल कंफर्म हो जाएगा। तो हम दो तार यहाँ पे ले लेते हैं, कैपेसिटर के लिए ले लेंगे ब्लैक तार ले लेंगे, और यहाँ पे एक हाई स्पीड के लिए ले लेंगे, ठीक है। इस तरह से हम इसको जोड़ेंगे, ठीक है, या आप एक तार भी आप ले सकते हो बाहर से, फिर उसमें कैपेसिटर लगा सकते हो, ठीक है। तो ये वाला तार है फर्स्ट तार, दोस्तों। तो जो यहाँ पे हम दो तार लगाने वाले हैं, एक तो होगा कैपेसिटर का ब्लैक तार और एक फास्ट स्पीड का। तो हम दोनों तार को एक साथ ही कर लेते हैं और एक मोटा स्लीव थोड़ा ले लेते हैं, इसमें दोनों तार आसानी से आ जाए। आपका मर्जी हो तो आप एक भी लगा सकते हैं, ठीक है, बाहर से फिर उसमें कैपेसिटर भी प्लस में जोड़ना होगा हाई स्पीड में, तो वो आपकी मर्जी है। तो अच्छे से आपको कनेक्शन यहाँ पे देने होंगे, टाइटली कनेक्शन आपको देने होंगे, और फिर इस पर स्लीव को चढ़ा देना है, ठीक है, अंदर की तरफ कर देना इस जोड़ को, और फिर स्लीव को चढ़ा देना है। इसमें डबल भी लगाना चाहे तो लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारे पास ये दो तार आए हैं, एक में गांठ मार देंगे क्योंकि कैपेसिटर के लिए है, एक हाई स्पीड का यहाँ पे हमारा आ गया है। तो दो गांठ वाले ब्लैक तार हमारे कैपेसिटर के हो गए, ये एक जिसमें गांठ नहीं है हाई स्पीड हो गया, और रेड जिसमें गांठ है वो कॉमन हमारा हो गया। तो आप अलग अलग कलर आप यूज कर सकते हैं, कैपेसिटर में आप पीला पीला ले सकते हैं, येलो ले सकते हैं, और आप कॉमन वाले में ब्लू लगा सकते हैं, हाई स्पीड में कुछ अलग कलर दे सकते हैं। अब हमारे दो तार बचे हैं, बहुत ही सिंपल हैं, ठीक है, जो कि फर्स्ट लूप हमने जोड़ दिया है। जो सेकंड लूप है, सेकंड लूप जो है उसके अंदर हम पाएंगे जो कि हमारी स्पीड मीडियम है, वो फर्स्ट लूप में हम पाएंगे 80 के बाद जो है उसमें हाई स्पीड, और 80 के बाद जो 50 आता है, 50 टर्न थे उसके बाद जो लूप था उसमें, इस वाले लूप में हम पाएंगे मीडियम स्पीड। तो इस पे हम लाल तार यहाँ पे जोड़ रहे हैं, ठीक है, लाल तार हम यहाँ पे जोड़ रहे हैं, और यहाँ पे स्लीव को लगा देते हैं। उसके बाद बारी आती बचे हुए तार की, जो कि लास्ट एक आउटर तार हमारा बचता है, पहले 80 फिर 50 फिर 80, लास्ट में बचता है जो सबसे, उस पे हम एक ब्लैक तार जोड़ देंगे, ठीक है। तो आप अपने मर्जी से जोड़ सकते हो,
ये आपका लो स्पीड का हो जाता है, ये आपका सबसे लो स्पीड का तार है। जी हाँ दोस्तों, अब इसको हम ढक देते हैं, ठीक है। तो अब ध्यान से देखिए, ये लो स्पीड हो गया, ये मीडियम स्पीड हो गया, और यहाँ पे ये वाला हमारा हाई स्पीड हो गया, और दो तार हमारे कैपेसिटर के हो गए, एक हमारा कॉमन हो गया, ठीक है। अब इस पर हमने कागज़ यहाँ पे लगा लिया है ऑलरेडी, अब इस पर हम धागा मार लेते हैं। दोस्तों सभी तारों को एक साथ पकड़ना है और एक तार से सुई बना के उसमें धागा लेकर आराम से धागा मारना है, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है, और ध्यान रहे रनिंग और स्टार्टिंग के बीच में पेपर दे देना है, ठीक है। पेपर देने से फ़ायदा ये होता है, देखिए अगर आप पेपर ना दो तो भी मोटर चलती है, ऐसे कोई दिक्कत आती नहीं है, बट होता क्या है कि जब मोटर के तार गर्म हो जाते हैं, ज़्यादा मोटर हीट हो जाती है, तो शॉर्ट होने का खतरा रहता है, जिससे कागज़ दूर करता है उस खतरे को, ठीक है। इसलिए कागज़ लगाया जाता है, क्योंकि अलग अलग तापमान पे दोनों वाइंडिंग्स गर्म होती हैं, रनिंग और स्टार्टिंग, ठीक है। तो ज़्यादा हीट हो जाने पे आपस में चिपक सकती हैं और शॉर्ट आपस में हो सकती हैं, अगर शॉर्ट आपस में हो जाती हैं तो मोटर आपकी फिर नहीं चलेगी, ये चीज़ ध्यान देने योग्य है। तो अच्छे से धागा मार देना है, दोस्तों अगर आपको भी वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, और इसकी वाइंडिंग वाला पार्ट देखने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप देख सकते हैं वाइंडिंग वाला पार्ट, और हमने सारा डेटा भी उसमें दिया है, ठीक है। दोस्तों हमारी वाइंडिंग यहाँ पर कम्प्लीट हो चुकी है, कनेक्शन कम्प्लीट हो चुके हैं, फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।